हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का रेसिपी है पापड़ और आलू की सब्जी। मैंने 3 पापड़ लिया है, छोटे छोटे पीस कर लिया है, और इसमें आधा प्याज है, इसमें 1 टमाटर और 4 मिर्चा, और यहाँ पे 3 आलू लिया है मैंने। मैंने मसाला पापड़ यूज किया है, आप कोई भी प्लेन पापड़ यूज कर सकते हैं। तो चलिए पापड़ और आलू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पापड़ को फ्राई कर लेंगे, फ्राई करके साइड में रख देंगे। हाफ टेबल स्पून काला जीरा, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये मैंने हाफ टेबल स्पून हल्दी लिया है और इसमें मैं अभी पानी डालूंगी और इसको अच्छा से मिला के इसमें डाल दूंगी ताकि मसाला नहीं जले। अभी हम इसमें आलू डालेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक स्वाद के अनुसार और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च और हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर। हम सभी मसाला को अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आ रहा है। उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। अच्छा से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और चिल्ली डालेंगे। मैंने इसमें 4 चिली लिया है, अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें ज्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे, सॉरी 1 ग्लास नहीं 2 ग्लास पानी डालेंगे। और उसके बाद अच्छा से मिक्स करके अब हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए।
उसको 10 या 15 मिनट तक बॉईल होने देंगे ताकि आलू अच्छे से पके लो फ्लेम में। अब हम इसमें पापड़ डाल देंगे। और साथ में थोड़ा सा कच्चा पापड़। अब हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। पापड़ और आलू की सब्जी बनके तैयार है।